नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत सुंदर से फूलों के साथ, और दोस्तों कई जो फ्लावर्स हैं अभी आ रहे हैं और कई प्लांट हम मई के महीने में भी ग्रो कर सकते हैं, तो मैं उन्हीं के नाम आपको आज बताऊंगी। और अभी मैंने भी वो कटिंग से ग्रो किए हैं, तो बहुत ही हार्डी प्लांट है जो इस गर्मी की तेज़ गर्मी में भी ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ प्लांट मैं आपको बताऊंगी और मैंने उनकी कटिंग भी ग्रो कर रखी है, तो मैं रिजल्ट के साथ ही आपको दिखाऊंगी। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम खुद अब नहीं कर ले, तब तक दूसरों को बताने में मज़ा नहीं आता है। और दोस्तों, वही मैं करती हूँ। और दोस्तों, एक प्लांट से हम कई प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। और अभी जब इस टाइम पे हम जो प्लांट जो कटिंग लगाएंगे, वह बारिश तक हमें फ्लावरिंग दे देंगे। तो दोस्तों, हमें कुछ ऐसे प्लांट अभी लगा लेने चाहिए, और कुछ तो मैंने लगा भी लिए हैं, तो उन्हीं को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कटिंग को। तो देखिए दोस्तों, कौन सी सबसे पहले, ये है दोस्तों मेरे पास मॉस रोज, और ये देखिए दोस्तों मेरे पूरा जो मिलीबग है, इन्होंने पूरा ख़राब कर दिया था। और वापस से मैंने कुछ कटिंग निकाल कर सारे प्लांट को हटा दिया था। और ठंड में वैसे भी ये प्लांट चलते नहीं है, फ्लावरिंग नहीं होती है। जैसे ही गर्मी शुरू होती है, जो पहले के जो छोटे छोटे प्लांट लगे रहते हैं, उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम मॉस रोज को लगा सकते हैं। मॉस रोज और पोर्चोलिका दोनों को हम लगा सकते हैं। पोर्चोलिका भी अभी मैं आपको दिखा दूँ। बहुत सारे जो ऐसे प्लांट है, ये दोस्तों ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। बहुत ही तेज़ धूप में भी आप इसको रख देंगे तो इतनी आसानी से ये ख़राब नहीं होते हैं, और बहुत ही अच्छे से ये चलते रहते हैं। इनको मैंने कई पॉट में ग्रो कर रखा है, आप देख सकते हैं। और जो मैंने अभी कटिंग लगाई है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये मेरे पास तवा रखा था एक, जो इसमें हमारे यहाँ पर मक्की और ज्वार वगैरह की रोटी जो चूल्हे पे बनाई जाती है, ऐसे ही तवे पे बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारे ये यूज़ नहीं आ रहा था। और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें दोस्तों छेद भी होते हैं, दिखा नहीं पा रही हूँ, तो उसमें ही मैंने इसको लगा दिया है। क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट है और कम मिट्टी में भी अच्छे से चल जाता है। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों, ये है गडलिया प्लांट। और दोस्तों, गडलिया प्लांट ऐसा प्लांट है जो बीज से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे जैसे ये फूल सूखते हैं, आप इनको वापस से इन्हीं मिट्टी में डाल दीजिए। और ये देखिए दोस्तों, मैं डाल देती हूँ तो मेरे कई प्लांट तैयार हो जाते हैं। कटिंग से भी लग जाता है दोस्तों, लेकिन बहुत ही नाजुक प्लांट है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होता है। जो भी कटिंग लगाए अभी आप, तो वो आपको शेमी शेड में रखना है, जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती हो, सिर्फ सूरज की रोशनी, सिर्फ रोशनी आती हो, वहाँ पर इन ऐसे इन प्लांट को रखना है दोस्तों। अगर आपको कटिंग लगानी है इस महीने में, तो थोड़ा सा ये तो ध्यान रखना ही होगा, और मिट्टी को बिल्कुल मॉइस्चराइज रखना होगा, मतलब गीली रखना होगा बिल्कुल, और उसमें प्लांट में पानी नहीं भरा रहे। अब थर्ड नंबर पर आता है विनका। दोस्तों, विनका की मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है, क्योंकि जो हाइब्रिड विनका है वो मेरे पास एक एक ही प्लांट है, तो मुझे कई प्लांट में मल्टीप्लाई करना था। तो दोस्तों, मैंने विनका की बहुत सारी कटिंग लगाई है, और वो विनका की कटिंग मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी लास्ट में, क्योंकि वो मैंने नीचे रखी है। यहाँ पर बहुत तेज़ धूप रहती है, तो मैं यहाँ पर कटिंग नहीं लगा सकती। तो ये देखिए दोस्तों, और ये जो प्लांट है, पूरे 12 महीने इसमें फ्लावरिंग होती है, तो आप किसी भी मौसम में इस प्लांट को लगा सकते हैं। अभी तो इसके बीज भी बहुत ही आसानी से और अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, तो इसका नाम इसीलिए सदाबहार, बारहमासी ऐसे नाम रखे गए हैं, क्योंकि ये बारहमासी पर पूरे साल 12 महीने इसमें फ्लावरिंग होती है। और ये देखिए दोस्तों, गडलिया मेरे पास बहुत सारा प्लांट है इसके। इसके बाद आता है दोस्तों बोगनविलिया। दोस्तों, बोगनविलिया की कटिंग बहुत ही हार्डी होती है, प्लांट बहुत ही हार्डी होता है, और तेज़ गर्मी में ही ये प्लांट चलता है। अगर आप इसको छाया में रख देंगे तो ये प्लांट नहीं चलता है। तो दोस्तों, ये कटिंग मैंने अभी ही लगाई थी, और आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो ये बड़ा हार्डी प्लांट है, और इसकी कटिंग हम अभी लगा सकते हैं मई के महीने में। तो दोस्तों, फटाफट से कटिंग
कटिंग लगा लीजिए। दोस्तों ये ऐसा प्लांट है जो कहीं पर भी रोड साइड पे लगा हुआ मिल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छे से ये चल जाएगा। फिफ्थ नंबर पे जो पाँचवें नंबर पर आता है ये है दोस्तों मेरे अपराजिता का प्लांट। और ये देखिए दोस्तों इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और अभी अभी ही मैंने ये कटिंग से भी हम इसको आसानी से लगा सकते हैं और बीज से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे जैसे इसके बीज गिरते हैं दोस्तों ये वहीं पर ग्रो हो जाता है और कितने ही प्लांट हम इसके बना सकते हैं एक प्लांट के बाद में। कटिंग से भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है और दोस्तों इसकी कटिंग के साथ मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो जब रिजल्ट मिलेगा मैं आपको ज़रूर वो दिखाऊँगी, क्योंकि दोस्तों नया जो लुक आने वाला है उसमें वो अगर मैं उसमें सक्सेस रही तो मैं आपको वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। और दोस्तों बोगनविलिया और अपराजिता की कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, मुझे नंबर याद नहीं रहते हैं और आप बस देखते जाइए, उसके बाद आता है ये जो है अभी हिबिस्कस। तो हिबिस्कस में इतनी हेवी फ्लावरिंग हो रही है अभी मैं क्या बताऊं। और दोस्तों बहुत ही हार्डी प्लांट है, जैसे ही गर्मी शुरू होती है अपने आप से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान देने के बाद इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग ये प्लांट नहीं मांगता है, बस इसमें हिबिस्कस का जो अटैक होता है उसको हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों इसकी कटिंग अभी भी हम इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो सेमी शेड में रखिए दोस्तों इसकी कटिंग लगा कर, और इतनी मोटी कटिंग लीजिए आप इसकी, इतनी मोटी कटिंग लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये चल जाएगी। और दोस्तों कई प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे, जितने भी हिबिस्कस है जो देसी हिबिस्कस है उनको आप लगाइए। दोस्तों जो हाइब्रिड हिबिस्कस होता है उसकी कटिंग मई में लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने उसकी भी कोशिश की है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से और यहाँ से कुछ कटिंग निकाली है और मैंने वो उनको ग्रो किया है। अगर वो लग जाती है तो मैं वो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अब इसके बाद आता है दोस्तों यह है टिकोमा प्लांट। और टिकोमा प्लांट दोस्तों इसको भी हम अभी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैं फटाफट आपको नाम दिखा देती हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ी होने के बाद चाहे वो कितनी अच्छी हो देखने में शायद सभी को अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों फिर आता है यह है कनेर, और दोस्तों कनेर को तो हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो डेली तो नहीं हर 2-3 दिन में आप इसका पानी बदलते रहिए और आप पानी में ग्रो कीजिए, उसमें भी जड़ें निकल आएगी। और दोस्तों बहुत ही हार्डी प्लांट है और देख सकते हैं आप इसकी इतनी मोटी कटिंग ले लीजिए, बहुत ही अच्छे से चल जाएगी। और सेमी शेड में रख दीजिए अगर मिट्टी में लगा रहे हैं, और अगर पानी में भी लगा रहे हैं तो भी आप सेमी शेड में ही रखिए तो बहुत ही अच्छे से ये चल जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों, बहुत सारे कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी और मैंने इनको ग्रो भी किया है दोस्तों। फिर आता है मधुकामिनी। दोस्तों मधुकामिनी का प्लांट ऐसा है कि एक बार आप लगा दीजिए पेरेनल प्लांट है, साल भर हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो दोस्तों मधुकामिनी को बहुत ही आसानी से कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और जो है ये मैंने बीज से ग्रो किया है और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है। तो दोस्तों रिजल्ट देख सकते हैं, जो बीज से प्लांट ग्रो होता है वो थोड़ा टाइम लेता है और जो कटिंग से प्लांट ग्रो होता है वो फटाफट से चल जाता है। तो दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इससे ज़्यादा मोटी इसकी कटिंग होती नहीं है, क्योंकि इसका तना जो मेन तना होता है वो ही इतना मोटा होता है और उसमें से जो ब्रांचेस निकलती है वो इस तरह से रहती है। तो इतनी मोटी ब्रांच ले सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक बार लगा लेंगे सालों साल आपके पास बना रहेगा। इसके बाद आता है चंपा। ये देखिए दोस्तों चंपा की मैंने कटिंग लगाई थी और बहुत ही अच्छे से चल गई है, तो मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा प्लांट है जो गर्मी में ही बहुत अच्छे से चलता है। तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है दोनों को, और ये जो मधुकामिनी है इसी को भी। अब इसके बाद आता है दोस्तों चांदनी का प्लांट, और चांदनी की प्लांट की कटिंग आप बहुत ही आसानी से अभी लगा सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है दोस्तों। और इसको तो मैंने जो मेरे पास पहले का पुराना प्लांट रखा था उसमें बहुत ज़्यादा जड़ें फैल गई, तो इस मौसम में भी मैंने गर्मी के मौसम में उनकी जड़ें हटाकर जो रूट बोर्ड हो गया था उसको हटाकर और मैंने वापस से इसको ग्रो किया। और दोस्तों उसकी पत्तियाँ पूरी जल चुकी थी, यहाँ पर ऊपर पड़ा था क्योंकि जड़ें ऊपर आ गई थी पूरी गमले में, तो मैंने उसको वापस से ठीक
किया और वापस से उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगर आप देखना चाहें तो। और दोस्तों आप बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं, ये देखिए ये वाली कटिंग लगा सकते हैं, ये चंपा, नाग चंपा, और बहुत सारी कटिंग है दोस्तों जो मैंने अभी ग्रो की है। और मैं चलिए आपको नीचे लेके चलती हूँ और सारी कटिंग दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी कटिंग लगाई है। तो